जमीन के विवाद में एक परिवार दो टुकड़ों में बटा। राजनीतिक लोगों ने इस मामले में आग में घी का काम किया है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली नगर पंचायत ठिरिया निजावत खान ने दादा इलाही जमीन को लेकर एक परिवार दो टुकड़ों में बट गया। सूत्रों की माने तो चुनाव नजदीक है, इसका फायदा राजनीतिक लोग उठाना चाहते हैं। आरोप है कि एक परिवार के दो लोगों को उकसाकर मुकदमा लिखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। इंस्पेक्टर कैंट ने बताया जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। का नाम समीम। अबरार आपके कौन है? अबरार हमारे छोटे देवर के चेहरे। अच्छा, उनका आरोप है कि आप लोगों ने मारपीट करके उनका पैर तोड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पैर नहीं तोड़ा है, कुछ नहीं, उनका पैदाशी उनका लूले थे। लूले थे? हाँ, मतलब इसे चला कर लंगड़ा के। नसीम खान। हाँ, झगड़ा क्यों हुआ है, किस बात पे झगड़ा हुआ है बताओ? झगड़ा कोई बात नहीं है, जमीन का था इनका, बस जो भी था हाईकोर्ट से हो रहा है। हाईकोर्ट में जाके भाईचारी हो रही थी, हमने अपनी चलवाई, हमने कुछ भी हुआ है अपने खेत में। उनका आरोप है हमारी फसल बर्बाद कर दी। ना, हमारी फसल थी, हमने चरौरी लगाई थी उसमें, हमारा हमने कुछ जुटवाई थी। हमने आज से नहीं, हमारी शादी हुई है तो 32 साल हुई मैं शादी को, हमारे पास था खेत। अच्छा, एक नसरीन है, उनका आरोप है उनके कपड़े वगैरह फाड़े उसके बारे में? ना, अपने आप कुछ करा है, हम लोगों ने पूछा, कहीं किसी से पूछ लो, हम लोगों को कोई तो होता मौजूद, उनके कपड़े फाड़े कोई तो मौजूद होना चाहिए, नहीं अगर लड़ाई होगी कोई ना कोई इकट्ठा होगा। आप लोगों के कहने के मुताबिक लड़ाई खेत पे हुई है, खेत पे लड़ाई और हुई है। उनके कपड़े घर पे फटे हैं, उनका ये कहना है, तो घर पे कपड़े कैसे फटे? इन्होंने अपने आप फाड़े, अपने आप लगाया, अपने आप फाड़े, अपने आप फाड़े। हमारा नाम है नसरीन। किससे लड़ाई हुई, पूरी बात बताओ? असद, नासर, मुजीब, इरशाद और क्या नाम की एक सब क्या नाम है, पांच लोग हैं ना जी, एक और कौन सा है? ताहिर। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? इस बात पे हुई थी कि सुबह में हमारे देवर गए थे अपने खेत पे। कहाँ पे खेत? यही आए मरघटों का, मोहनपुर में। इन लोगों ने, हमारे देवर कमजोर हैं, इनकी तबीयत खराब बहुत दिनों से, इनके लाठी मारी तीन चार। किन लोगों ने लाठी मारी? इरशाद ने, इरशाद था, ताहिर था। क्यों मारी लाठी? खेत की वजह से। क्या खेत की वजह से? क्या खेत की ये वजह थी कि 35 साल से मुकदमा चल रहा है। हम वो चल लिया, हम जीत गए, हमें जीत गए, हमें कोर्ट के हम शुक्र गुजार हैं, कोर्ट ने हमें दे दिया माल, हमारी चरी खड़ी भी है, हमारा कब्जा है, कागज हमारे हैं, सब कुछ हमारा, जो चकबंदी DTC से हम जीते, DTC के हम शुक्र गुजार हैं आज के वक्त में बरेली जिले में, और उनने हमें माल दे दिया, हमारी चरी खड़ी हुई है, इनने हमारी चरी में जबरदस्ती जानवर घुसे दिए, जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, इनके एक फुफा है साबिर मौलाना की पूरी नस्ल, और इनके दादा का नाम है कचरू खां की पूरी नस्ल, जे सब पहुँचे हुए थे, जे इंतजार कर रहे थे, हमारे चाचा जे हैं आप देखें, हमारे चाचा और ये चचेरा भाई दोनों अकेले पहुँचे, इनने उन्हें मारा, इनने उन्हें मारा, लाठी मारा। हाँ, चाचा किसने मारा आपको? इरशाद खान ने मारा। पैर दिखाओ जी, हमारे चाचा का जो पैर तोड़ दिया इनने, इन लोगों ने, और हमारी दो दिन तक हम थाने में पड़े रहे, अब वो लिखा गया मुकदमा, तो जो डॉक्टर के लौंडे जो सब है मुकबर, और जो पतंगा नेता है, और जो कहता फिर रहा है कि हम इनकी रिपोर्ट नहीं लिखने देंगे, चाहे जितना जुलम करो, डॉक्टर साहब के लड़का। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक है, मैं जयपुर से आया हूँ, और मैं घर था नहीं, उसके बाद मैं जब आया हूँ, बोले जब तक बरेली जिले में CO मैडम है, इनका मुकदमा हम लिखने नहीं देंगे, ना इनकी कार्रवाई होने दे हम। कौन सी जे पतंग के नेता हैं? हम जानते ही नहीं है CO मैडम। कौन ये बात कह रहा है? जे इमरान, जो पतंग का नेता आए, इमरान, डॉक्टर निसार का लौंडा, जे कहता फिर रहा सर, डॉक्टर निसार का लड़का।